हेलो हेलो कदम सर, मैं पुनीत बोल रहा हूँ। कौन पुनीत? सर आपका इन्फॉर्मर। अरे हाँ, अबे तेरे को मना किया था ना घर पे फोन नहीं करने का। खबर ही कुछ ऐसी है, एक मुर्गा मिला था मेरे को जो साले का पेच ही ढीला था, मैंने सामान उसी को बेचा है। कौन है वो? वो तो साहब आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं इस लफड़े से बाहर निकल जाना चाहता हूँ साहब। हाँ अरे हाँ हाँ, ये भी कोई भूलने वाली बात है। ठीक है साहब, आप सुबह मिलो, मैं सामने उसको बैठाता हूँ। ठीक है। गजब हो गया, छोटे को पुलिस उठा के लेगी। क्या, लेकिन क्यों? पता नहीं, बोल रहे थे कुछ संगीन अपराध किया है, कहीं खून भुना हो जाए उसके उलझे दिमाग से। खून? भगवान ना करे कुछ ऐसा हुआ हो। कुछ कीजिए शर्मा जी। एक काम करो, आप थाने पहुंचो, मैं कागजात बना के पहुंचता हूँ। देख, ये डील तेरे साथ इसलिए फाइनल की गई हो क्योंकि सबसे कम टाइम तूने ही मांगा है। अरे सर, ये हमारा पहला डील नहीं है, और आप तो जानते ही हैं हम लोग डील में डीले नहीं करते, दो दिन ज़्यादा मोहलत लेते हैं और दो दिन पहले पहुंचा देते हैं। ना दो दिन पहले ना दो दिन बाद, मेरा सामान मुस्तक वक्त पे पहुँच जाना चाहिए, वरना तेरी उल्टी गिनती शुरू। अरे सर, योर विश इज कमांड टू मी। देखते हैं तुम्हारे काम बड़े हैं कि बातें। ज़रूर सर, लेकिन वो जो ओके, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। भाई 7:30 बजे तो आधा घंटा गुजर चुके हैं। मैं तो टाइम पे निकल गया था, इन दोनों की वजह से थोड़ा लेट हो गया। सामान लाए हो? ये रही 3000 की। इसका 3000? हजार में कोई ना ले, एक सही दाम बताओ ताकि मैं इसको खरीद लूँ। हजार में मैं नहीं देता। ठीक है, चलता हूँ। अबे अकड़ू, डील अच्छा है। हाँ यार, जा कुछ भी कर, कुछ बात कर, पहला फुसला दे, जो कस्टमर देने की बात कर। अच्छा ले, आजा जा 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 जा। अरे ए पुनीत भाई, अरे अरे पुनीत भाई, आप तो बुरा मान गए यार। मैं आपको बोला था ना, जो बोलूँगा वो फाइनल होगा। अरे कुछ नहीं पुनीत भाई, एक छोटा सा सजेशन देता हूँ मैं आपको। ये जो मोबाइल है ना, आप मुझे 2000 में दे दीजिए, मैं आपको और दो कस्टमर दूंगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप, लेकिन अच्छा होता ये बात। ठीक है, लेकिन तुम याद रखना, सिर्फ तुम बोल रहे हो, दे नहीं रहे हो। चलो ठीक है, ये लो मैं भी देता हूँ ये। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। अरे डील अच्छा था। अरे डील कर कौन रहा था? हेलो कदम सर, मैं पुनीत बोल रहा हूँ। कौन पुनीत? सर आपका इन्फॉर्मर। तेरे को मना किया था ना घर पे फोन नहीं करने का। साहब खबर ही कुछ ऐसी है, एक मुर्गा मिला था मेरे को जो साले का पेच ही ढीला था, मैंने सामान उसी को बेचा है। कौन है वो? वो तो साहब आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं इस लफड़े से बाहर निकल जाना चाहता हूँ साहब। ये भी कोई भूलने वाली बात है। ठीक है साहब, आप सुबह मिलो, मैं सामने उसको बैठाता हूँ। ठीक है। ढंग का इज्जत कौन है? अरे मोहम्मद यूसुफ, ये चीखे मेरे भाई के हैं। ओ, ये तुम्हारा भाई है? बैठ वहां, साहब को बुलाता हूँ।
आप हसन के भाई हैं। इंसानियत बाकी है कि नहीं आप में? कोई कहीं बीमार आदमी को भला इस तरह मारता है? बीमार तो आपका भाई बीमार है, ऐसी कौन सी बीमारी है उसे? वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। जरूरी नहीं समझते हो या भाई का पागलपन छुपा रहे हो? पागल नहीं है मेरा भाई, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? कहीं से भी किसी को भी उठाते हो मारते हो, क्या हो क्या रहे हैं यहाँ? कहीं से किसी भिखारी को नहीं उठाया। मतलब? मतलब करोड़पति है तेरा भाई, करोड़पति के ऊपर हाथ उठाने से पहले हमें करोड़ों बार सोचना पड़ता है जनाब, ऊपर तक जवाब देने होते हैं। हम पूछताछ कर रहा हूँ मैं, पूछताछ समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन। मारने पे आऊँ तो शेर को भी घास खिला। हाँ तो ये कोई तरीका है इन्वेस्टिगेशन का? अच्छा तो तरीका मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा। देख मेरा वक्त बर्बाद मत कर, क्या काम है जल्दी पक। मैं अपने भाई का बेल करवाना है। वकील कहाँ तेरा? आ रहे हैं। वकील को आने दो। इंस्पेक्टर कदम सुनिए, देखिए मेरे भाई को हाथ मत लगाइएगा वरना बहुत पछताएंगे आप। क्या सर फोन नहीं उठा रहे आजकल? बड़े बातों के शेर बन रहे थे 20 दिन पहले। कहाँ है कसाइमेंट? अब तक पहुँचा नहीं है मुझ तक। सर ये जो वो क्या मतलब... ये जो क्या मतलब, निकल गए? भेजा या निकल गए? सर आप टेंशन मत लो, कंसाइनमेंट एकदम सही है, बस थोड़ा प्रॉब्लम हो गया पारादीप के पास, उसलिए सामान आगे नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा। पहुंच जाना चाहिए वरना टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुझे आता है। देखिए सर ये लाइफ का पहला लोचा था सर। ईट का जवाब पत्थर से। अबे जंग खत्म नहीं हुआ, टेंशन क्यों ले रहा है तू? वो रहा हसन, बोला था ना मैंने पेंच ढीला है साले का। ठीक है तुझे। ओके साहब, बच जाऊंगा ना साहब। बात करूंगा मैं कदम सर से, मगर हाँ इन्वेस्टिगेशन ना होने तक शहर के बाहर मत जाना। ठीक है साहब। अरे क्या हुआ क्या हुआ, फोन आप लोग। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या हो गया? अरे बचाओ यार इम्तियाज राहिल, यार बचाओ यार, अरे यार बचाओ यार राहिल, इम्तियाज बचाओ यार, अरे छोड़ ना यार। अरे अरे मेरे दोस्त को छोड़ो, छोड़ो मेरे को, अरे छोड़ो मेरे को दोस्त। अरे क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं यार। हेलो। हाँ कहाँ तक प्रोग्रेस है? विल गेट इट सून सर, मैंने जाल फेंक दिया है, इस बार मछली बच नहीं सकती। शायद तुम मुझे ये बात पांचवी बार बोल रहे हो। भरोसा रखिए सर, इस बार सच बोल रहा हूँ। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे यार टेंशन मुझे नहीं तुझे लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुझे 3 लाख दे सकता हूँ तो तेरे ऊपर के ऑफिसर को भी 3 करोड़ खिला सकता हूँ। धीरज रखिए सर जी, इस बार पक्का सच बोल रहा हूँ। सर मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। खबर भेज साले के घर पे। क्या समझते आप लोग हसन को? अरे पुलिस वाले है तो क्या हो गया, इसका ही पहुंच ऊपर तक है। अरे छोड़ ना यार, 1 घंटे भी रख नहीं सकते ये लोग मुझे, 10-10 हजार में बिकते हैं पुलिस वाले। बस साले चुप, तेरे बाप की शादी है जो इतने जोर से चीख रहा है। साले जिंदगी भर यही चढ़ा होगा, सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होगी तुझे, 10 हजार में खरीदेगा तुझे दो। सब 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 स
ताकत बचा के रखी हो। मीट यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। निकाल दिया यार, कितना मारा यार, बहुत ज्यादा मारा ना। हाँ यार, कुत्ता टाइप का मारा सालों ने। सही में पागल है तू। अच्छा मुन्ना, सामान के बारे में क्या जानता है तू? कौन सा सामान? सब देख हसन यूसुफ, अब तक इंसानियत से पेश आ रहा था, हैवान बनूंगा तो यहां से मुर्दा निकलेगा तू। खुदा कसम साहब, आप क्या पूछ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठी कसम था, पुलिस को कैसे जानता था? पुलिस भाई साहब, पुलिस भाई साहब, मोबाइल भर दो साहब, नहीं पकड़वाया तुझको। कस्टमर देने को वादा किया था ना, देखिए पुलिस से दुश्मनी लेकर कोई फायदा नहीं। वैसे तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है, तो बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? लेकिन आप समझ नहीं रहे। अरे शर्मा जी, और बताइए। शर्मा जी की छोड़िए, अब बताइए हसन को क्यों पकड़ा है? बोलिए बोलिए। आपके हसन ने कल रात को 2000 में चोरी का मोबाइल खरीदा था। 2000 के लिए उसे मार दोगे क्या? इट्स नॉट मनी, इट्स अबाउट ब्रेकिंग द लॉ। और IPC के तहत चोरी का सामान खरीदना या बेचना क्राइम है, और कानून की नजर में आपका भाई क्रिमिनल। और वही IPC के तहत थर्ड डिग्री बंद हो चुका है सर। मुझे भी मजा नहीं आ रहा उसे टॉर्चर करते हुए। मैं सिर्फ उसे सवाल पूछ रहा हूँ और वो मेरे सवाल का उल्टा सीधा जवाब दे रहा है। क्या उल्टा सीधा बोल रहा था? वो बोल रहा है कि उसे कुछ मालूम नहीं है, जबकि मोबाइल खरीदने वो खुद गया था और वो भी अकेले। और अभी मुझे बोल रहा है कि दो दोस्तों के साथ गया था, पता नहीं ये उसके दोस्त हैं कौन और कहाँ। सही तो बोला था वो, मैंने आपको पहले भी कोशिश की थी बताने के लिए, लेकिन आप बड़ी आसानी से उसे पागल बोल दिए। पागल नहीं है सर, जिसकी जो भी नहीं आए। क्या मतलब है आप? सर मैं खुद एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और हसन एक स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है। इस बीमारी में इंसान को खुद के सामने दूसरे कैरेक्टर महसूस होता है। सही में पागल है। क्या हुआ? जा जा डील पर, जा रहा चलता हूँ। इम्तियाज चल, तो भाई को आप लोग कौन है? अरे छोड़, जिसे वो खुद देख सकता है बाकी और कोई नहीं, और ये सब हसन के साथ पिछले 5-6 सालों से हो रहा है। ऐसी भी कोई बीमारी होती है? जी सर एकदम होती है, जो लाइलाज है। वैसे उस मोबाइल में ऐसा क्या था? बात उस मोबाइल की नहीं, उसमें रखी माइक्रोचिप की। माइक्रोचिप? वेबट्यून्स और वेबटॉप्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उनके बीच एक डील हुई थी और डील के सारे इन्फॉर्मेशन उसी मोबाइल के माइक्रोचिप में रखे गए थे, जिसका दाम कम से कम तो 25 करोड़ होंगे। किसी को पता ना चले इसलिए मोबाइल को नॉर्मली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, पर अफसोस मोबाइल पारादीप के पास से ही चोरी हो गई। और एक महीने में वो मोबाइल 5-6 लोगों के हाथों से बदल बदल के आपके भाई के बदनसीब हाथों में आ गए। हमें शक था कि इस मोबाइल को आपके भाई ने जानबूझ के खरीदा था ताकि उसका डील कर सके। आपको इस विचार पे जरा सा भी भरोसा नहीं था? पुलिस का काम भरोसा नहीं, मुझे ये नहीं जानना। ये रहा बेल पेपर्स,
अभी प्लीज अभी मेरे छोटे को छोड़िए। लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में थोड़ा सा और लेफ्ट थोड़ा। हाँ अब ठीक है, राइट में उधर है। हाँ नहीं बे, राइट साइड में जो है वो राहिल है, लेफ्ट साइड में जो है वो इम्तियाज है। ठीक है और थोड़ा सा इधर कर ना, राइट में और थोड़ा। हाँ लेफ्ट लेफ्ट। हाँ ये ठीक है तो। हाँ यहीं पे, यहीं पे बस यही है मेरे दोनों दोस्त। ठीक है